मैं कहना चाहांगा कि पार्टी ने अपने वर्कर का बहुत मान सम्मान किया और मेरे पार्टी के जो सहयोगी ने जो मेरे नाल एजुटेशन हर जगह हर जलसिया जलूसा विचरद रहे हैं उन्होंने भी बहुत मान सम्मान मिले। अमृतसर तो साढ़े तलवार साहब ने और साड़ी पार्टी के बहुत पुराने वर्कर ने उन्होंने चेयरमैन लाया गया। गुरदासपुर तो साढ़े अजीत शर्मा जी ने जोड़े लोग सभा हल्का इंचार्ज भी ने साडे उन्होंने गुरदासपुर को चेयरमैन लाया गया। पार्टी ने किसी ना विदगरा नहीं किया और किसी को भी हैलीकॉप्टर एंट्री करके चेयरमैन नहीं लाया गया। जोड़े जैनुअन वर्कर ने साड़ी पार्टी के उन्होंने उन्होंने अगे लिया और मान सम्मान दिता। सर मेरे को इको गल की मैनू अपने मन च खुशी है कि मैं बिजनेसमैन घराने तो हाँ। मैं समझना मैनू लोगों ने बड़ा किया कि इतने जी फंड है नहीं पैसा है नहीं कम है नहीं बटाले च। मैं सोचना कि उन्होंने को विजन है नहीं कम लैन का कम कर पैसे कट्ठे कर फंड कट्ठे कर विजन है नहीं। मैं ऐसा बिजनेसमैन है कि मैं बगैर पैसों भी अपनी फैक्ट्री भी काम च लाया बहुत उपर भी देखा बहुत डाउनफॉल भी देखा और मैं इस चीज़ की कोई घबराहट नहीं हैगी। मैं अपने आप से पूरा माण है अपने आप से पूरा मैं कॉन्फिडेंस आ कि मैं फंड भी करावगा वधिया काम भी करा और शहर में एक नंबर बनावगा बटाला शहर में और आने वाले समय के यादगारी शहर बनाने की कोशिश। सर कोशिश करना सा फर्ज आ अपने एफर्ट करा बिना तंग किए पब्लिक को जो हो सकेगा बेस्ट वो करने की कोशिश करा समझौते करने की कोशिश करा जितने कोई हिच आ कि सानू ट्रस्ट में उन्नी की असर भी खानी है। बिजनेसमैन होता सारा जनता देखिए अद्धा दी है गवाह तो झगड़े मकान की कोशिश करा सू असर भी खानी पेगी ताकि जेडे कलोनिया इंप्रूवमेंट दिया अधूरिया पईं या बंद पईं वह जड़िया सुचारू हो सकन। अज बड़ी खुशी की गल है मैं कहना अगे इन्हां कुर्सियां ते विराजमान राजनीति लीडर होया करदे सी पर अज वो समा आ गया हुण इन्हां कुर्सियां ते विराजमान जिहड़े आम घरां दे लोक ने आम घरां दे मैं कह सकदा लोकां ने नमाणियां नूं माण बख्शिया और आ मैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की गल कर लगा एक करजे च डुबी हुई है एक हिसाब की मैं कह सकदा कोई फंड्स नहीं पर नरेश गोयल जी मैनू इन्ना पता अंथक मेहनत करने वाले ने इन्हां दी कुर्सी तो बहन तो पहला पहला एक इन्हां नूं मैं गिफ्ट दे देना चाहुंदा भी मैं 2.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वह मैं कारपोरेशन जिहड़े साडे कमिश्नर साहब ने जिहड़े इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे भी उन्हां कोल आ चुक्या काम चलाउण जोगा हुण समान इन्हां नूं दे दित्ता है अगो हुण वधाउणा ते मेहनत करनी वह असी ना तो मेहनत तो भज्जण वालियां चों आपां मेहनत करन वाले इंसान हाँ और मैं तुहानूं आप जी दे माध्यम राहीं तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हां वी आउण वाले समें नूं इसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच जान पावांगे इसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे थ्रू कई जिहड़े बटाले दे हलके दे विच जिहड़े कम ने गलियां नालियां सड़कां दे ने उह वी करांगे और मैं ये गल कहण लग्गिया मैनूं माण महसूस हुंदा है साडे वलंटियरां दे विचों जदों पार्टी नाम मंगदी है पुछदी है तो सानूं वी फकर दे नाल दसना पैंदा वी ये इंसान जिहड़े मेहनत करन वाले बंदे ने। सो बहुत बहुत समुचे बटाले नूं मुबारकबाद है और मैं आप जी नूं इहो बेनती करदा वी असीं वधिया ढंग नाल इत्थे कम करांगे इस बटाले दी नुहार बदलांगे। हुण इन्ना क फर्क पै जांदा वी जदों कम करीदा जिम्मेवारियां दे नाल ज्यों ज्यों साडे होर भी वर्कर वधनगे होर भी जिम्मेवारियां वधनगियां साडियां जिम्मेवारियां थोड़ियां जिहियां वह जिम्मेवारी सानूं इह लगदा वी हुण थोड़े जे न्यूट्रल असीं हुण बाहर दे कम कर लईए। सो साडा परिवार है बहुत वधिया कम चल रहा है। असीं सरकारी स्कूलों के बहुत ज़्यादा पेन लै रहे हैं सरकार सरकारी स्कूलों नूं बहुत ज़्यादा बरीकी नाल वाच कर रही है स्कूल एमिनेंस बन रहा बड़ा वधिया रिजल्ट आऊगा उत्थों जी। मैं कहना आपां प्राइवेट नूं डक्कण नालों
अपने बच्चे क्यों ना कन्वर्ट आप दूजे पासे करिए। मैनू भी कई फोन आते जी कापियां दे पैसे बहुत मंगते जी एडमिशन दे बहुत मंगते। फिर जे हुण अगले दी मालकी आ उन्होंने तो मर्जियां करनिया ही करनिया, सरकार अपना सिकंजा कस रही है। पर जो आप हुण एक वधिया एक दे दिते ने स्कूल दे दिते क्यों ना आप उधरले पासे नूं मूव करिए। मेरी यो सलाह वा सारिआं नूं भी जो सरकार फैसिलिटी दे रही है आपां नूं उहनूं अडॉप्ट करनी चाहिए। देखो जी बहुत वधिया स्टैप है, बहुत वधिया गल है, क्योंकि मैं देखिया पिछलियां सरकारां दे समें जिन्ना नौजवान वर्ग सी सारा बाहरले मुल्कां दे विच चला जा रहा सी। अज नौजवानां दे विचों कई ऐसे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट जिहड़े ने निकल के आउणगे, क्योंकि सरकार कम करना चाहुंदी। भगवंत मान जी दी सरकार, मैं एक गल दावे ना कह सकदा हां, एक साल दे विच विच साडे लोकां नूं इह आस हो गई है भी वधिया करके विखा लैण। आ बिजली दा यूनिट सब तो वड्डा अहम इशू है, जिहड़े विरोधी सानूं तंज कसदे फिरदे सी भी इहनां कोल होणा नहीं जी एवें गल्लां करतीयां, जदों दीआं हुण गल्लां जदों इह कम कर दित्ता बिजली वाला उस तों बाद शांत हो गए भी जे एडा वड्डा कम कर सकदे आ ना ते कुछ भी कर सकदे ने। उस तों बाद हुण मुद्दिआं ते तंज नहीं कर सकदे, हुण होर ही पासे नूं नजारे लई जांदे लै। अज साडे जिले गुरदासपुर की सारी लीडरशिप लई बहुत ही खुशी का मुकाम आ। पार्टी के बड़े पुराने लीडर श्री नरेश गोयल जी जिहड़े कि बड़े इमानदारी नाल पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कई सालों तो सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने उन्होंने एक बड़ा अहम अहुदा इंपरूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन वजो नवाजा वा। मैं पार्टी लीडरशिप का भाई एज जिला प्रधान धन्यवाद करना कि एक बहुत योग और इमानदार और वधिया, क्योंकि लोकल ने बिजनेस कम्यूनिटी ना बिलोंग करते हैं, बहुत वधिया। मैनू पूरी आस आ और मैं इन्हों शुभकामनावां भी भेट करदा कि मैनू पूरी आस आ कि यह अपना जिहड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने इन्हां नूं दित्ती आ, साडे माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी मान ने दित्ती आ, इन्हां नूं बड़ी तनदेही नाल इह निभाउणगे और गां इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बहुत वधिया गां इहनूं अग्गे लै के बैठे ने बड़े योग ने, इन्हां नूं मौका मिलना चाहिए। अहीं तां अरदास भी करांगे कि साडे जिले च मिनिस्ट्री जिहड़ी आ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ और शुरू तो ही जो उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भी शुरू किया एक हमेशा वो चेंज लिया चाहते थे, एक चंग्यारी सी उन्होंने चेंज लिया। और वेखो 28,000 तो वध नौकरियां एक साल दे विच देनियां, एक नवा मील पत्थर स्थापित किया और यूथ ओरिएंटेड ने हर काम च नौजवानों नूं अगे लिया चाहते हैं। और जिहड़ा साडा यूथ आ वो दुनिया च एक नंबर ते आ, असीं जे उन्हां तों चंगीआं इनपुट्स लईए चंगे आइडियाज़ लईए तां गांह पंजाब दा इहदे च तरक्की दे विच रंगला पंजाब बनाने बहुत भला हो सकता। बहुत